तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो दोस्तों पार्ट टू होने वाला है टॉप इंडियन स्कॉलरशिप के ऊपर। लेकिन पिछले वीडियो में दोस्तों जो हम लोग स्कॉलरशिप को डिस्कस किए थे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉप स्कूल लेवल स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें दोस्तों क्लास 5 to 12 तक के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। और दोस्तों पिछले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट उसके पहले दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस चैनल पे इस तक वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे हम लोग का है NSTSE, यानी कि नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये स्कॉलरशिप यूनिफाइड काउंसिल ऑफ हैदराबाद के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे क्लास 1 to 10 तक के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 11, 12 स्टडिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप अवार्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, टैबलेट, PC, मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाएंगे। साथ ही में 4 to 10th रैंक वाले स्टूडेंट्स को 1,000 rupees कैश प्राइज अवार्ड किए जाएंगे, साथ ही मेरिट सर्टिफिकेट भी अवार्ड किए जाएंगे। और दोस्तों बात करें 11 to 25 रैंक होल्डर्स वाले स्टूडेंट्स को 599 के वाउचर और रेस्पेक्टिव क्लासेस के बुक्स अवार्ड किए जाएंगे। और दोस्तों यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को एक मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाएंगे। और दोस्तों बात करें इसके एप्लीकेशन डेट्स के बारे में, तो जुलाई मंथ से स्टार्ट होते हुए अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल रहता है, आप फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों अगले नंबर पे है NSE 2020, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम। ये एग्जाम NIC एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा फंड किया जाता है। और दोस्तों बात करें यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहां पे स्टैंडर्ड 5 to 12 तक के स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी अपने स्टेट के रेस्पेक्टिव बोर्ड से हो, या फिर आप CBSE से हो, या फिर आप ICSE से हो, या फिर दोस्तों आप 12 के बाद कोई भी डिप्लोमा कोर्सेस कर रहे हो, या फिर आप कोई डिग्री कोर्सेस कर रहे हो, तो दोस्तों आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहां पे कितना स्कॉलरशिप अमाउंट अवार्ड किया जाएगा, तो दोस्तों यहां पे फर्स्ट, फिफ्थ रैंक होल्डर्स को यहां पे कैश प्राइज अवार्ड किए जाएंगे, एंड रेस्ट रैंक होल्डर्स को यहां पे कंसोलेशन प्राइजेस वगैरह अवार्ड किए जाएंगे, आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां पे जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट रैंक गेन करते हैं उनको 9,000 अवार्ड किए जाएंगे, सेकंड रैंक गेन करते हैं उनको 8,000, थर्ड रैंक को 7,000, फोर्थ रैंक को 6,000 एंड फिफ्थ रैंक को 5,000 rupees अवार्ड किए जाएंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे सिक्स्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट रैंक गेन करते हैं उनको 10,000, सेकंड रैंक करते हैं उनको 9,000, थर्ड रैंक करते हैं उनको 8,000। उसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्ट्रिप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर इसको डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। और दोस्तों बात करें, ये तो था फर्स्ट, फिफ्थ रैंक होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग जो 6 to 100 रैंक होल्डर्स जो गेन करेंगे उनको कंसोलेशन प्राइजेस जैसे कि मेडल्स, ट्रॉफी एटसेट्रा वगैरह अवार्ड किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी अवार्ड किए जाएंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन डेट्स के बारे में, तो अगस्त से स्टार्ट होते हुए 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले नंबर पे है JM Sethia मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कॉलरशिप JM Sethia ट्रस्ट के द्वारा फंड किया जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स 9th to 12th तक में स्टडी करते हो, या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस क्लास, यानी कि अगर आप 10th में स्टडी करते हो तो 9th में मिनिमम 70 to 75% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में कि कितना स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे चार कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैटेगरी A, B, C एंड D। सबसे पहला आता है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में वैसे स्टूडेंट्स आएंगे जो 9th, 10th में स्टडी करते हों, उनको 400 मंथली बेसिस पे 2 years के लिए अवार्ड किए जाएंगे। कैटेगरी बी में 11th, 12th वाले स्टूडेंट्स को 500 मंथली बेसिस पे 2 years के लिए अवार्ड किए जाएंगे। कैटेगरी सी में जो 12th पास आउट कर लिए हैं उनको 600 मंथली बेसिस पे 2 or 3 years के लिए अवार्ड किए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स करते हैं, या फिर आप ITI करते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं। अगला है दोस्तों कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स आएंगे जिनको 700 मंथली बेसिस पे 2 to 5 years के लिए अवार्ड किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है।
तो दोस्तों अगले नंबर पे है ASSET, यानी कि असेसमेंट ऑफ स्कॉलरस्टिक स्किल्स थ्रू एजुकेशनल टेस्टिंग। ये स्कॉलरशिप औरों से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे 3 to 10 तक में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आप CBSE से हो, या फिर आप ICSE से हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, और सोशल स्टडीज हिंदी यहाँ पे ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये एग्जाम जो है जनरली दोस्तों नॉलेज के गैप को फुलफिल करने के लिए है, जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में, तो यहाँ पे कैश प्राइज हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, और ट्रॉफी वगैरह यहाँ पे अवार्ड किए जाते हैं। और दोस्तों इस स्कॉलरशिप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इनके वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को डिस्कस किया था, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो लाभदायक साबित हुई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।